हेलो दोस्तों, आज मेरे पास है 08 से 10 5 kg जेपी मशीन। दोस्तों ये मशीन हमारी नहीं हो रहा है, कस्टमर ने बोल के गया है, तो देखेंगे क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। और इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा, अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो जानकारी आपको मिल जाएगा। एक अगर आप 5 kg बेकर मशीन रिफ़र कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके को भी ये फेस करना पड़ता है, तो इसका सलूशन मैं आपको आसान से तरीके में दे दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए मशीन को मैं चला लेता हूँ। यहाँ पे देखिए और यहाँ से देखिए ये क्रैंकशाफ्ट जो यहाँ पे दिख रहा है, क्रैंकशाफ्ट टूट गया है, तो इसके कारण मशीन चल रहा है लेकिन हमारी नहीं हो रहा है। तो जो कनेक्टिंग रॉड रहता है वो बाहर निकल गया है, तो इसके कारण बिल्कुल हमारिंग सेट काम नहीं करेगा और क्रैंकशाफ्ट टूट गया है। तो क्रैंकशाफ्ट मैं खोल के आपको दिखाऊंगा कैसे टूटा है। क्रैंकशाफ्ट को खोलने के लिए हमको हमारिंग पाइप का 4 ओइलिंग खोलना पड़ेगा, प्लस मोटर हाउसिंग में भी जो 4 ओइलिंग लगता है उसको भी खोलना पड़ेगा, और आपको उसका जो हैंडल का भी ओइलिंग दोनों खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं पिस्टन को निकाल लेता हूँ, कनेक्टिंग रॉड के साथ ये निकल गया और ये उसका स्ट्राइकर भी निकल गया। दोस्तों हमारिंग साइड में कोई भी इशू नहीं है, तो दिक्कत है तो वो क्रैंकशाफ्ट टूट गया है, तो हम उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए टूट गया है, तो ये कनेक्टिंग में थोड़ा टच हुआ है वो जो क्रैंकशाफ्ट का ये वाला, तो ये चल जाएगा, कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा टच कर गया है, तो इसके कारण ये थोड़ा टूट गया है, तो ये कोई इशू नहीं होगा। तो हम उसको घुमा कर लगा लेंगे तो हो जाएगा। ये जो नीडल बेयरिंग लगता है दोस्तों, ये नीडल बेयरिंग आपको चेक करना पड़ेगा, जितने भी उसमें जो बॉल रहता है वो रहना चाहिए, ज़रूरी है वो। अभी दोस्तों हमको इसमें जो गियर हाउसिंग रहता है उसके नीचे आपको 4 एलिंग मिल जाएगा जो बॉडी में है, मोटर हाउसिंग में लगता है, उसको हमको खोलना पड़ेगा पूरा। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो ये मैं खोल चुका हूँ। अभी उसका जो हैंडल में 2 एलिंग लगता है उसको भी आपको खोलना पड़ेगा, मैं स्पीड में निकाल के स्किप करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी दोस्तों हमको गियर हाउसिंग को निकाल लेना है और उसका जो बेयरिंग फ्लेंज है नीचे, तो ये रह जाएगा यहाँ पे, हम उसको नहीं निकालेंगे क्योंकि आर्मेचर में कोई इशू नहीं। अगर आपको इसको निकालना है तो नीचे से आपको कार्बन खोलना पड़ेगा। अभी दोस्तों ये जो गियर हाउसिंग में क्रैंकशाफ्ट लगता है वो टूट गया है, तो क्यों ये ज़्यादा टूट जाता है तो मैं आगे बताऊँगा। अभी दोस्तों इसको हमको जैक में निकालना पड़ेगा, अगर पिटोगी तो ये ख़राब हो जाएगा, तो चलिए दिखाते हैं कैसे गियर खोलते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो क्रैंकशाफ्ट है, यहाँ से देखिए ये क्रैंकशाफ्ट यहाँ से टूट गया है। ओके, ये स्पेशली दोस्तों ये चिपिंग काम करने के लिए यूज करता है, ये चिपिंग मशीन है 5 kg, तो उसमें कभी कभी किसी ने छत वगैरह तोड़ देते हैं, कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा बीम तोड़ देते हैं, इसके वजह से ये टूट जाता है, तो ये है मेन कारण उसका। और दूसरा कारण ये हो सकता है आपका, अगर ये होल, ये जो यहाँ पे होल है ये खा जाएगा। और नेक्स्ट तीसरा कारण यहाँ पे ये देखिए जो पिस्टन है, पिस्टन पिन, ये अगर खा जाएगा तो ये ऊपर नीचे होता है, अगर खा जाएगा ये ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो इसमें कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये बीम, बड़ा बीम टूट रहा था उसके बाद से ये टूट गया। तो ये पहले मैं रिपेयर कर चुका हूँ, इसमें आपको याद आ रहा होगा, इसमें देखिए ये रबर रिंग नहीं लगता है, ओरिंग, इसमें ये ओरिंग नहीं लगता है, तो आप याद जरूर कीजिए, ये डंकिंग का है, तो ये टूट गया है। ओके, मैं आपको अभी बताऊंगा ये क्रैंकशाफ्ट को कैसे हम चेंज करेंगे और परफेक्टली कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों इसको हमको निकालना है। ओके, निकालने के लिए मेन चीज यहाँ पे आप ध्यान जरूर दीजिए, ये कभी अगर आप यहाँ से पिटोगी तो ये ज़्यादातर, ये अगर कभी कभी ये निकल भी जाता है, मैक्सिमम टाइम में ये निकल जाता है, लेकिन कभी कभी एक दो चीज़ रहता है यहाँ पे, ये जो चीज़ है हाउसिंग ये तोड़ के निकल जाता है, तो इसकी वजह से हमको क्या करना है, इसको पिटना नहीं है, हम हाइड्रोलिक जैक में उसको प्रेस करते हैं। और इसको दोस्तों हमको जैक यूज करके निकलना है, और जो क्रैंकशाफ्ट जो गियर के तरफ रहता है, गियर से जो क्रैंकशाफ्ट निकलता है वहाँ से आपको एक स्ट्राइकर थोड़ा रख देना है और उस वहाँ पे प्रेस करना है, और नीचे से ये निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये आसान से निकल जाएगा, अगर पिटोगी तो बहुत चांस है ये टूटने का, तो आसान से तरीका है, आप उसको यूज़ कीजिए, अच्छा से निकल जाएगा। तो आगे मैं बताऊँगा
कैसे उसको फिटिंग करोगे, वो जो लॉक जो छोटा छोटा लॉक लगता है उसको भी कैसे फिटिंग करोगे, बहुत दिक्कत करता है, वो मैं ये वीडियो में बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारा मैं वीडियो ऑलरेडी 5kg के ऊपर डाला हूँ, तो इसके वजह से मैं इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं बताऊँगा। ओके दोस्तों, ये देखिए अभी ये निकल चुका है और ये गियर है और इसका यहाँ पर ये चीज़। आप अभी इसको पीट के मत निकाले क्योंकि इसमें दो लॉक है, तो इसको आपको लॉक को पहले निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए आपको इसका नोज प्लास की ज़रूरत होगा, अगर यहाँ से निकल रहा है तो बिल्कुल सही है। ये देखिए ओके, अगर नहीं निकल रहा है तो आपको दोबारा यहाँ से पीटना पड़ेगा। यहाँ पर पीट लीजिए और ये निकल जाएगा। ये देखिए ये एक निकल गया, दूसरा यहाँ पे है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये दोनों निकल गए, तो यहाँ से दोबारा पीटना। ये देखिए ये निकल गया। अब मैं इसको यहाँ पे देखिए ओके, यहाँ पे ये टूट गया है, ये देखिए। तो जिससे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्रैंकशाफ्ट टूट गया है, तो हमको इसको नया लगाना पड़ेगा। आप कोई वेल्डिंग वगैरह करके आप लगा रहे हो तो ये गलत बात है, तो हमको यहाँ पे नया लगाना पड़ेगा। हाँ, हमेशा दोस्तों आप अगर मशीन रिपेयर कर रहे हो तो अच्छा चीज़ लगाइए, अच्छा चीज़ यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास है धारा कंपनी का क्रैंकशाफ्ट, तो उसको मैं खोल लेता हूँ। क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, अगर आपको चाहिए तो ज़रूर साइड में देखें, नंबर से कंटेक्ट कीजिए। कोई भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे ये देखिए क्रैंकशाफ्ट है ये, और ये जो जो ओरिजिनल आप ये देख रहे हो ये टूट गया था, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा ये चीज़ है जो मैं लगा रहा हूँ। तो ये मैं लगाऊंगा अभी, तो कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला चीज़ है आपको क्रैंकशाफ्ट को फिटिंग करना ये बेयरिंग में। और यहाँ पे दोस्तों जो बेयरिंग लगता है उसका बेयरिंग नंबर है 2303-6303। और यहाँ पे मैं ये जो क्रैंकशाफ्ट लगा रहा हूँ, दोबारा हमको वहीं जैग यूज़ करना है और वहाँ पे जैग में ही हमको बिठाना है। नॉर्मली आप पीट के बिठा रहे हो तो सही बात है, लेकिन आपके पास अगर जैग है तो ज़रूर यूज कीजिए, परफेक्ट काम रह करेगा। और नेक्स्ट आप मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बिना जैक से भी आप गियर को फिटिंग कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा। अभी नॉर्मली हम उसके लगा लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये फिटिंग हो चुके हैं। अभी दोस्तों इसमें बहुत बड़ा दिक्कत ये करता है कि जो मैं पहले बताया था, ये बहुत ही बड़ा है कि हम जब इसमें लगाते हैं उसका दोनों लॉक वो निकल के, जब हम लॉक लगाने के बाद हम गियर लगाते हैं वो निकल जाता है। आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा फेविक्विक डालना है। यहाँ पे देखिए मेरा वीडियो थोड़ा कट गया है, तो इसके वजह से मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फेविक्विक में डाला हूँ, दोनों लॉक को फेविक्विक डाल के फिटिंग करना है, परफेक्ट फिटिंग करना है। दोस्तों ये मुझे भी मैं पहली बार कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत दिक्कत करता है, तो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके सामने जो होगा वो दिखा जाएगा। अभी दोस्तों हमको वो जो लॉक दोनों लॉक को लगा के लॉक में फेविकोल डाल के उसको फिक्स कर देना है। अभी आपको इसमें गियर लगा के ऊपर से पीटना है, और देखिए आसानी से पीट जाए पीट गया। तो यहाँ पे दोस्तों दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि जो क्रैंकशाफ्ट रहता है उसमें ये जो लॉक दोनों लॉक लगाना बहुत दिक्कत काम है, बहुत दिक्कत करते हैं। कभी कभी हम उसमें गियर फिटिंग करने के बाद वो लॉक अगर एक रहेगा तो दूसरा नीचे रह जाएगा, नीचे चला जाएगा, फिर वो बेयरिंग प्लस ये गियर के नीचे रह जाएगा और घूमेगा नहीं, ये दिक्कत करता है। लेकिन इसमें देखिए मैं जब उसमें फेविक्विक डाल दिया तो उसमें फिक्स हो गया, मतलब दोनों लॉक साइड में फिक्स हो गया। लेकिन मैं गियर में फेविक्विक नहीं दिया हूँ, लेकिन वो लॉक दोनों लॉक में फेविक्विक दिया हूँ। ओके, अभी दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है, अभी हम उसमें फिटिंग करेंगे। ये फिटिंग करना बहुत आसान है, बहुत सारा वीडियो में बताया हूँ। तो चैनल में नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमेशा अच्छा वाला ग्रीस यूज़ कीजिए जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों ये नीडल बेयरिंग लगता है यहाँ पे, तो नीडल बेयरिंग को ध्यान दीजिए जरूर, क्योंकि ज़्यादातर ये टूट जाता है। यहाँ पे हमको बिठाना है और परफेक्टली काम करना है, तो जाके ताकि अच्छे से काम करे मशीन। तो यहाँ पे देखिए चाटो एलेंगे लगा रहा हूँ, कंप्लीट एलेंगे लगा के मैं स्किप कर लिया क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है अभी भी। तो यहाँ पे
रेडी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, उसके जो हैमर फाइव रहता है उसमें स्ट्राइकर भरेंगे। स्ट्राइकर देखिए, स्ट्राइकर में जो ओरिंग लगता है जहाँ पे, ये देखिए ओरिंग नहीं है, ये एक सेलिंग पकड़ सकते हो प्लास्टिक का, इसमें आपको ग्रीस नहीं देना है। यहाँ पे ग्रीस नहीं देना है, थोड़ा ग्रीस लगा के चारों तरफ पोछा लगा लीजिए, फिर आपको स्ट्राइकर को लगाना है और यहाँ पे स्ट्राइकर में ग्रीस देना है। यहाँ पे देखिए स्ट्राइकर लगाने के बाद यहाँ पे आपको ग्रीस देना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ग्रीस देना है। मैं आइडल का स्पेशल ये मशीन का ग्रीस यूज कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो भी कॉन्टेक्ट कीजिए, वो भी मिल जाएगा आपको। ये देखिए इतना ही ग्रीस लगता है। अभी हमको क्या करना है, पिस्टन के साथ आपको कनेक्टिंग रॉड प्लस पिस्टन पिन साथ में आपको लगाना है। या देखिए जहाँ पे टॉच हुआ था तो मैं ऊपर रखूँगा, थोड़ा मतलब स्क्रैच हो गया है, टूटा नहीं है लेकिन स्क्रैच हो गया है, तो इसके वजह से मैं उसका जो स्क्रैच को ऊपर रख लें, किसी तरह आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं फिटिंग कर रहा हूँ, ये देखिए तो अभी हमको क्या करना है, उसमें चाटो एलिंग लगाना है और ये हो गया दोस्तों, नॉर्मल चीज़ है, ये आप भी कर सकते हो, चाटो एलिंग अभी लगाना है। तो ये बहुत आसान सा चीज़ है, ये आसान सबसे आसान मशीन ये है, आप अगर करोगे तो आसान सा काम है, तो ये कर सकते हो। चाटो दोस्तों एलिंग लगा के नॉर्मल टाइट कर लेंगे, तो दोस्तों चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत लोगों ने वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वीडियो बनाते हैं आपके एक सब्सक्राइब के लिए, आप अगर हमारा टीम में मेंबर हो जाओगे तो बहुत अच्छा रहता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेम्बर बनिए हमारा। तो यहाँ पर देखिए एलिंग की 5 नंबर एलिंग की यूज़ करके आप इसको टाइट कर सकते हो, ये टाइट हो जाएगा और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रीस देना है। ये देखिए मैं हमेशा बहुत वीडियो में बताया हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा ग्रीस नहीं देना है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ग्रीस देना है, पकड़ लो 10-20 दिन या जैसे ही आप काम करो, अगर थोड़ा बहुत काम करो 5-10 दिन में इसको यहाँ पे ग्रीस निकाल के दोबारा ग्रीस दीजिए, लेकिन फुल ग्रीस मत दीजिए। ग्रीस देने के बाद उसका ग्रीस के आपको टाइट करेंगे, परफेक्टली टाइट करेंगे, अगर टाइट नहीं करोगे तो ये ढीला हो जाएगा। तो अभी दोस्तों ये रेडी हो चुका है मशीन चलने के लिए, मशीन को चला दें, देखते हैं साउंड कैसा है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमरिंग का कोई इशू नहीं था, अभी भी नहीं हो रहा है, पहले से ज़्यादा हमरिंग यहाँ पे हो रहा है क्योंकि ग्रीसिंग हो गया है। तो मेन चीज़ था क्रैंकशाफ्ट चेंज करना, क्रैंकशाफ्ट चेंज में कर लिया हूँ। तो वीडियो में कोई जानकारी मिले कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।